Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. Bahubali 63 insights into Jainism. इस पर बात करूं, बहुत सारे विषय हैं. शुरुआत यहीं से करती हूं कि माइथोलॉजी और हिस्ट्री, इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन है. लाइन कहां पे ड्रॉ करनी चाहिए? देखिए, माइथोलॉजी जो होता है वो विश्वास वाला सच होता है, यानी कि जो विश्वास से जुड़ा होता है वो सच को हम माइथोलॉजी कहते हैं. और जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो विज्ञान से जुड़ा होता है. और जब विज्ञान से जुड़ा होता है तो वहाँ पे शंका होती है, प्रयोग होता है, तो एक्सपेरिमेंटेशन होता है, डाउट होता है, एविडेंस, प्रमाण हम पूछते हैं. लेकिन जब विश्वास की बातें करते हैं तो हम प्रमाण नहीं पूछते. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि माइथोलॉजी कुछ लोगों का सच होता है, सबका सच नहीं होता है. तो मेरा विश्वास है, ये मेरा सच है, ये मेरा माइथोलॉजी है. आपका विश्वास है, आपका सच है, वो आपका माइथोलॉजी है. लेकिन इतिहास ऐसे नहीं मानता है. हम बोलेंगे नहीं, इतिहास सबका होता है. तो वहाँ पे विज्ञान आता है. तो विज्ञान, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो भूतकाल की बात करते हैं, जो पहले घड़ा था. लेकिन जब हम माइथोलॉजी की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि वो अभी भी विराजमान है. तो जैसे हम कहेंगे हमारे घर कृष्ण आए थे. अगर हम, मैंने ऐसे कह लिया कि मेरे घर कृष्ण आए, तो बोलेंगे, लोग बोलेंगे तो भक्त है उसके घर में. मेरे घर में रोज़ कृष्ण आते हैं, मेरे घर में रोज़ गणेश जी आते हैं, मेरे घर में रोज़ रामलला आते हैं. तो ये हम इसको विश्वास की बात मानते हैं. लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि मेरे घर रोज़ भगत सिंह आते हैं, तो लोग कहेंगे ऐसे तो नहीं होता है. मेरे घर रोज़ पृथ्वीराज चौहान आते हैं, तो बोलेंगे नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो इतिहास के विषय हैं. लेकिन जब हम राम की बात करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे, गणेश जी की बात करेंगे, तो फिर हम विश्वास वाली दुनिया में. अगर आप इस्लाम धर्म के हो तो आप मोहम्मद के बारे में बात करेंगे, पैगंबर के बात करेंगे, मूसा के बात करेंगे. अगर आप ईसाई धर्म में हो तो उधर मिथोलॉजी अलग होता है, वो भी विश्वास वाला सच होता है. तो हर धर्म के अंदर एक विश्वास वाला सच होता है, और उसका आदर करना, उसे समझना माइथोलॉजी कहते हैं. माइथोलॉजी का हिंदी शब्द आख्यान शास्त्र है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता आख्यान शास्त्र. तो माइथोलॉजी सिर्फ ये है, विश्वास वाली दुनिया में जाना, उससे समझना कि अलग अलग धर्मों का अलग अलग विश्वासों में क्या है ये बातें. और शंकराचार्य जी ने कहा था ना, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम. इसका मतलब है कि हर आदमी का जो विश्वास होता है वो अपना होता है, लेकिन सिर्फ भगवान को सब कुछ पता है. तो जब हम दूसरों के सच को समझने की प्रयास करते हैं, उनके विश्वास को समझने का प्रयास करते हैं, वो माइथोलॉजी की दुनिया है. इतिहास में ये सब नहीं करते. इतिहास में विश्वास से कोई लेना देना नहीं है.